जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ फिलहाल जिलों की नगरी उदयपुर में, और आज की जो हमारी जर्नी है वो होने वाली ट्रेन नंबर 9722 जो कि हर दिन दोपहर 3:05 पे उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन निकलती है, और सेम डे नाइट में 10:15 पे जयपुर रेलवे स्टेशन में छोड़ती है। बात करें इसके टोटल डिस्टेंस की तो 429 किलोमीटर कवर करती है 11 स्टॉपेज के साथ 7:20 में। तो ये थी ट्रेन की जानकारी है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इस ट्रेन के लोकोमोटिव। ये है डीजल लोकोमोटिव जो हमें जयपुर तक लेके जाएगा, और आज की जो हमारी जर्नी है वो होने वाली स्लीपर क्लास के अंदर। वो है S1, और बात करें इसकी फेयर की तो उदयपुर से जयपुर के बीच मेरे को ये टोटल फेयर पड़ा 397 रुपये विथ GST, और उसमें भी RAC मिली है। तो देखते हैं अपने को पैसेंजर कौन रहते हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 1 लगी हुई है उदयपुर सिटी जयपुर समर हॉलीडे स्पेशल ट्रेन। ट्रेन के डिपार्चर का टाइम है 3:05 है, और आज मैंने लंच किया था हनी दाल बाटे भोजनालय में, जहाँ पे 80 रुपये के अंदर अनलिमिटेड दाल बाटी, छाछ का गिलास, सलाद परोसे जाते हैं। खाना वाकई में टेस्टी था। आप भी कभी उदयपुर आते हो तो एक बार ज़रूर ट्राई करें हनी दाल बाटे। कोच है अपना S1। सीट है 63। ये रही अपनी सीट, साइड पर चार्जिंग सॉकेट, स्लीपर क्लास और थर्ड AC में डिफरेंस सिर्फ AC का होता है। स्लीपर क्लास में फैन लगे होते हैं और थर्ड AC में AC होता है, बाकी बर्थ तीनों में सेम ही होती है। अपर बर्थ, मिडल बर्थ और लोअर बर्थ। सामने मिरर, चार्जिंग सॉकेट वगैरह सुविधाएँ सब सेम ही रहती है स्लीपर और थर्ड AC में, डिफरेंस सिर्फ AC का रहता है। तो अब हो चुका है इस ट्रेन के डिपार्चर का टाइम, तो चलिए अब हम आपको बताते हैं उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन से इस ट्रेन का डिपार्चर। तो ठीक 3:05 का टाइम था, और 3:05 पे हो चुका है ट्रेन का डिपार्चर। तो करीबन 4 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद हम पहुंच चुके हैं इस ट्रेन के पहले स्टॉपेज राणा प्रताप नगर रेलवे स्टेशन,
और यहाँ पे इस ट्रेन का 2 मिनट का स्टॉपेज है। और राणा प्रताप नगर रेलवे स्टेशन पे अभी हो रही है बारिश। तो ठीक 2 मिनट के स्टॉपेज के बाद राणा प्रताप नगर रेलवे स्टेशन से भी हो चुका है डिपार्चर ट्रेन नंबर 9522 का। तकरीबन 42 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद हम पहुंच चुके हैं इस ट्रेन के दूसरे स्टॉपेज मौली जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है MVJ। और यहां पे इस ट्रेन का
दो मिनट का स्टॉपेज है। तकरीबन 161 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद हम पहुंच चुके हैं राजस्थान की वस्त्र नगरी भीलवाड़ा में, और यहां पे इस ट्रेन का 5 मिनट का स्टॉपेज है। बात करें इसके स्टेशन कोड की, तो इसका स्टेशन कोड है BHL। भीलवाड़ा से काफी लोगों ने इस ट्रेन में बोर्ड किया है। ठीक 5 मिनट के स्टॉपेज के बाद भीलवाड़ा रेलवे स्टेशन से भी इस ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है।
70 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद हम पहुंच चुके हैं नसीराबाद रेलवे स्टेशन। यहाँ पे स्टेशन का 2 मिनट का स्टॉपेज है। बात करें इसके स्टेशन कोड की तो इसका स्टेशन कोड है NSD। नसीराबाद के यहाँ कचौरी ज़्यादा फेमस है। स्टॉपेज के बाद नसीराबाद रेलवे स्टेशन से भी इस ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है। सिटी ऑफ यूनिटी अजमेर में, और अजमेर का स्टेशन कोड है AII, और यहाँ पे स्टेशन का सबसे ज़्यादा 10 मिनट का स्टॉपेज है। अजमेर दादर सामने खड़ी है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। ठीक 10 मिनट के स्टॉपेज के बाद ट्रेन का डिपार्चर होता हुआ अजमेर रेलवे प्लेटफॉर्म नंबर 3 से प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे खड़ी है अजमेर दादर सुपरफास्ट एक्सप्रेस। इसका भी टाइम 8 बजे का है। अजमेर दादर का भी डिपार्चर होता हुआ 8 बजे का टाइम था इसका भी। ठीक 8 बजे अजमेर दादर का डिपार्चर होता हुआ जनरल क्लास का हाल देखिए आप।
सेकंड लास्ट स्टॉपेज फुलेरा जंक्शन, यहाँ पे 2 मिनट का स्टॉपेज है। ट्रेन फुलेरा जंक्शन से भी डिपार्ट करती हुई टाइम ट्रेन हमें ले आई है प्लेटफॉर्म नंबर 7 पे जयपुर जंक्शन के। 10:15 का इसका टाइम था, 10:14 पे यानी कि 1 मिनट बिफोर ट्रेन हमें यहाँ ले आई है। ओवरऑल जर्नी एक्सपीरियंस अच्छा रहा। तो जल्दी मिलते एक नए ब्लॉग के साथ और एक नई जर्नी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।